वेलकम गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन नॉलेज फुल होगी। तो सबसे पहले ट्राईपॉड को निकालते हैं हम। ट्राईपॉड निकालने के बाद आपको कुछ इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। इसकी क्वालिटी बहुत बिल्ड क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई। और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड की गई है रियलमी की तरफ से। काफ़ी ब्रांड ट्राईपॉड है, इसे हम ट्राईपॉड भी कह सकते हैं और सेल्फी स्टिक भी कह सकते हैं। आपको ट्राईपॉड और सेल्फी स्टिक अलग अलग परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये मिनी ट्राईपॉड कह सकते हैं हम। इसे अच्छी तरीके से हमारे पॉकेट में सेट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मोबाइल लगा सकते हैं हम। और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ये ट्राईपॉड है, इस तरीके से हमारे वीडियो में ट्राईपॉड का काम करेगा। और रही बात ब्लॉगिंग की, तो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। इसमें ब्लूटूथ का डिवाइस दिया जाता है, ट्राईपॉड से अलग हो जाता है। आपको मिनी मेरे हाथ में दिख रहा होगा, आप जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप DSLR अपना मोबाइल अच्छी तरीके से आप इसमें सेट कर सकते हैं। आप इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखो इस तरीके का कुछ बॉक्स आपको दिखाई दे। ट्राईपॉड का तो मैंने आपको बता दिया, अब बात करेंगे सेल्फी स्टिक की। हम सेल्फी स्टिक जैसे इसे कैसे यूज़ कर सकते, देखो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे हम ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी है और आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो एक ही ट्राईपॉड आपके दो काम आसानी से कर देगा। अब बात करेंगे इसे माइक कैसे अटैच कर सकते। तो देखिए मैंने माइक ऊपर लगा दिया है, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से माइक इस पर सेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी प्राइस की, तो मैंने 1300 रुपीज़ में इसे परचेस किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा पाटिल स्मार्ट टिप्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी, इस पर मैंने बताया कि जियो का डाटा आप उधार कैसे ले सकते हैं। ऐसी ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताई है, तो जाकर देख लेना।